दोस्तों यहाँ पे बंदर विश्राम कर रहा है बंदर भी, और हम जाके इनको प्रणाम करेंगे। गले में डाल ले कैमरा बंदर की। प्रणाम। हम अच्छा ब्लॉग बनाकर लोगों के सामने पेश करेंगे, और हमें यकीन है कि आप आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, और आप इसी तरह आपकी कृपा हमारे पे बनाए रखें ताकि हम अच्छा काम कर सकें। हाँ, हमारा आशीर्वाद मिल गया। अभी हम यहाँ से जाते हैं क्योंकि बंदर जी से दोस्तों हमारी बात हो चुकी है, बंदर जी ने हमें आशीर्वाद दे दिया है, और अब हम ब्लॉग के लिए आरंभ करेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम सागर है और आज मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा एलोरा के। एलोरा एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से घूमने आते हैं। ये औरंगाबाद में पड़ता है और मैं आज औरंगाबाद में हूँ और मैं आपको ले चल रहा हूँ एलोरा। मैं मेरे फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, वो बस आता ही होगा, वो आने के बाद हम लोग चलेंगे। हाँ दोस्तों, तो हम अभी चलते हैं। तो अब बस हम कुछ ही देर मैं एलोरा पहुंचेंगे। पहुंच चुके हैं। अरे कहीं मैंने पढ़ा 50 रुपए पार्किंग है भाई, 50 रुपए पार्किंग है, 50 रुपए एलोरा में, 50 रुपए पार्किंग है। इतना महंगा दोस्तों, इतनी महंगी पार्किंग 50 रुपए। तो यार कंट्रोल होना चाहिए पार्किंग के रेट्स के ऊपर, मनमाने रेट्स लगा देते हैं पार्किंग के। राइट में रख ले भाई। गाइस हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, कार हैज बीन पार्क सेफली। अभी हम है एलोरा के पार्किंग में, अब और देख रहे हो सब तरफ कितनी पार्किंग, पूरा पार्किंग आज संडे का दिन है और धूप बहुत है, धूप भी बहुत हो रही, पार्किंग तो पूरी फुल है। और बस हम अभी कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। अब ये पार्किंग में कार पार्क करने के बाद भी ऑटो वाले आते हैं वहाँ पे, बोलते हैं कि आपको एलोरा केव्स के गेट पे ले जाके छोड़ देंगे और उसके 30 रुपए लेंगे, उसके 30 रुपए लेंगे। और तो ये रास्ता सिर्फ 2 से 3 मिनट का है और उसके लिए 30 रुपीज़ चार्ज करते हैं, और पार्किंग में 70 रुपीज़ चार्ज करते हैं। 100 रुपीज़ तो आपका बस यहाँ पे आके खड़े रहने का ही है।
Hey guys, now we reached here. और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ के देख लीजिए यहाँ पे कितनी भीड़ है. लोग तरह तरह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ये देखिए ये इंसान क्या बेच रहा है. भैया के पास में 10 रुपये का है और काफ़ी अच्छा दाम में ये बेच रहे हैं. यू कैन टेस्ट इट. और यहाँ पे खाने के लिए कोई चीज़ की कमी नहीं है. आप देख रहे हैं ये बंदर ऊपर बंदर बैठे हुए आपका स्वागत करने के लिए. और यहाँ पे ये भैया ये बेच रहे हैं. इनके पास में कितने का दिए भैया? ये 50 रुपये में आपके फीमेल्स के लिए है. आप चाहे तो भैया के पास से खरीद सकते. थैंक यू भैया. और अभी हम काफ़ी हद तक पहुँच चुके हैं. लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं. देख लीजिए और हम अंदर पहुँच चुके हैं और मेरे दोस्त लोग काफ़ी जल्दबाजी कर रहे हैं जाने के लिए बिकॉज दे आर वेरी एक्साइटेड. तो गाइस हम अभी ये देखिए झाड़ ये झाड़ कोई चुड़ैल के झाड़ से कम नहीं है दोस्तों. यहाँ पे बच्चे यहाँ पे बंदर के जैसे चढ़ रहे हैं और मज़ा कर रहे हैं. इन्हें देख के हमें बचपन के दिन याद आ रहे हैं. बचपन में ये भी ऐसा ही खेल करता था पर अभी आज ये बड़ा हो गया. और ये हमारे खलील भाई हम पानी बेच रहे हैं. अंदर में पानी मिलता नहीं है तो दोस्तों आप यहीं से पानी खरीद लीजिए ताकि अंदर आपको डिहाइड्रेशन नहीं हो. का पूरा लिखा हुआ जिसमें सभी तरीके की जानकारी दी हुई है और बताया है कि कैलाशनाथ मंदिर में क्या क्या है, कितना पुराना है और किस तरह के से मंदिर बना गया था. आप देख सकते हैं ये पूरा मंदिर है. तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ अंदर जा रहे हैं और एंट्री कर रहे हैं इस मंदिर में कैलाशनाथ. और ये बहुत ही यहाँ पे आने से पहले आपको इस गेट से आना होगा. और ये देखिए अंदर का जो किस तरीके से पुराने मूर्तियाँ यहाँ पे बनाए गए हैं. We'll be right back.
चुके हैं हम लोग, अभी कुछ पानी पीना चाह रहे हैं। बहुत ही मीठा पानी है, राहत महसूस होती है दोस्तों। काम को करने के लिए कितने साल लगे थे? ये थोड़ा बड़ा काम निकलता है। आइए, चाचा यहाँ पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं और चाचा को इसकी काफी जानकारी है। 20 साल से काम चालू है। 20 साल से ये काम चालू है इनका। थोड़ा थोड़ा काम ये करते हैं और चीजों को मेंटेन करते हैं। अब इनका वो सब चल रहा है। ये है दोस्तों गुफा, और इस गुफा के अंदर भयानक राज छुपा है। उसके अंदर एक ऐसा राज है जो कभी किसी ने नहीं देखा। काफी दूर था और काफी देर तक चलना पड़ा दोस्तों। जब भी आप यहाँ पे जाओगे तो ये वॉकिंग डिस्टेंस है, आपको पूरा वॉकिंग डिस्टेंस पे तय करना होगा, इसलिए आपके साथ में पानी रखिए ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो सके। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ, ये एग्ज़िट है, अभी सभी लोग जा रहे हैं। आज काफ़ी क्राउड था क्योंकि आज संडे था, और इसलिए हम भी संडे, हमें भी ऑफ था, तो हमने सोचा चलो हम भी सैर कर लेते हैं और एक अच्छा सा ब्लॉग बना लेते हैं। ये कितना क्राउड है। अब ये लाइन में लगे टिकट निकालने के लिए, जब तक इनका टिकट निकलेगा और हम लोग जाएंगे तब तक शाम हो चुकी होगी। ये सब छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं देखने के लिए, और इनको काफ़ी एक्साइटेड है ये देखने के लिए। और हाँ दोस्त, आप बहुत कहाँ से आए हो? ये बहुत दूर से आए हैं ये देखने के लिए, काफ़ी लंबी लाइन है धूप में, इनको अब काफ़ी देर तक खड़ा रहना है। तो दोस्तों आपने देखा कितनी भीड़ है यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ पे लोग आते हैं, बच्चे स्कूल से कॉलेजेस से यहाँ पे लोग दूर दूर से अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने के लिए आते हैं। सब अपने फैमिलीज के साथ में और घर वालों के साथ में यहाँ पे अपना आके समय बिताते हैं ताकि उन्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ पता चले और वो यहाँ से कुछ सीख लें। तो हम भी अभी हमारा ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं, खाना खाएंगे फिर जाके रुकते ढाबे। हाँ, और अभी हमें तो काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी है, बहुत थक चुके हैं। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसके पेट में हिरन और इसके पेट में खरगोश, और हम बहुत ज़्यादा भूखे हैं और हम अभी जाके खाने पे टूट पड़ने वाले हैं एकदम। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों ये जो पूरी है ये 10 रुपये में यहाँ पे मिलती है, और ये भैया हमें भैया भैया जरा बजा के दिखाइए किस तरह से बचती है। ये भैया इसे पू पू करके ऐसा बजाते हैं, ये सिर्फ 10 रुपये में है, और काफ़ी पुंगिया भैया यहाँ पे सेल करते हैं और काफ़ी मज़े से बच्चे इसे करके बजाते हैं दोस्तों। और हम ये कुंभ भैया से ले रहे हैं। भैया आपका नाम?
हुसैन भाई पुंगी वाले बहुत अच्छा अजगर भाई करते हैं और हम आज ये पुंगी लेकर हम काफ़ी खुश हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इसी के साथ ये ब्लॉग हम फिनिश कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के ब्लॉग आगे बनाऊं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।